बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इमरान सफर मैफिया, दिस क्लास 9th इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मनी एंड बैंकिंग। दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि आपको पिछले टॉपिक में हमने मनी के रिलेटेड पढ़ाया था कि किस तरह से मनी एक हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई, जिसने जो डबल क्वेश्चननेस ऑफ वांट्स थी उसको खत्म किया। लेकिन अगर हम बात करें कैश की, तो ज़्यादा कैश अपने पास रखना भी सेफ नहीं होता है। इंसान को कभी कभार अपने स्टेट से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर जाना पड़ता है, या फिर ट्रेड करने के लिए तो उसे बहुत सारे पैसे अपने साथ में उठाने पड़ते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता था। और साथ में अगर घर में भी हम बहुत सारा कैश रखेंगे, उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, चोरी होने की या और भी, मतलब जो पैसे वगैरह है, ये खास कर कागज़ की जो करेंसी होती है, पेपर करेंसी, वो ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमारे पास सॉल्व किया बैंक्स ने। तो हमारे पास जो सरप्लस मनी होता है, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो हम उनको बैंक में रख सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम बैंक से वो पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें बैंक से निकालने के, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि प्लास्टिक मनी, जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड से हम किसी भी बैंक एटीएम में जा सकते हैं, तो वहाँ पे एटीएम से वो पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक हमें वो क्रेडिट कार्ड जैसे देता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम कुछ पैसे उसमें से खर्च करेंगे तो 40 दिनों तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो पैसे बैंक को वापस देने पड़ेंगे, वापस डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें ज़्यादा पैसे अपने साथ रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम कहीं पर भी पैसे निकाल कर जो भी चीज़ें खरीदनी हो ट्रेड के लिए, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे बैंक में बहुत सारे किस्म के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट, तो ये कोई भी इंसान ये अकाउंट खोल सकता है। तो इस अकाउंट को खोलने के बाद इंसान बैंक में पैसे रखेगा, और इसके अलावा बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट भी दे सकता है, जितने पैसे हम रखेंगे उसी हिसाब से 4% या 6% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक्चुअली में बिजनेसमैन वगैरह खोलते हैं। तो इस अकाउंट में मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है वो पैसे डालता है इसमें, और कभी जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वह निकालते भी है। इस अकाउंट के में हम कह सकते हैं कि इसमें बैंक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन हमें एक श्योरिटी मिलती है कि हमारे पैसे जब भी बैंक में होते हैं तो हम सेफ फील करते हैं। इसके अलावा होता है रिक्वायरिंग डिपॉजिट। तो इस वाले अकाउंट में जो लोग होते हैं वो मंथली मतलब बेसिस पे इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, और उसके बाद उनको बैंक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी देता है, और उस एक साथ वो बहुत सारे पैसे एक साथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जैसे कि किसी की शादी वगैरह होती है तो उसके पास जो मेहर वगैरह का पैसा होता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे लोग 5 साल या 8 साल तक डिपॉजिट करते हैं, पैसे बैंक में रखते हैं, उसके बाद उनको ज़्यादा हम कह सकते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बैंक प्रोवाइड करता है। तो इस दौरान जो अकाउंट होल्डर है वो पैसे नहीं निकाल सकता, जब वो पीरियड ख़त्म होगा तब जाके वो पैसे वो मतलब निकाल सकता है, या फिर उस वक्त वो दोबारा से 5 या 8 सालों तक वो फिर से फिक्स डिपॉजिट कर सकता है अपने पैसों को। बैंकिंग एंड कॉमन मैन, तो जैसे मैंने पहले कहा कि बैंकिंग से हमारे जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट जो हमारे पास होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, जिसे कोई भी इंसान खोल सकता है। तो उसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, और कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस वक्त हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए बैंक हमें पैसे भी देता है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, पैसे भरने के लिए भी बैंक जाना पड़ता था और निकालने के लिए भी बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब हम डिमांड डिपॉजिट के ज़रिए भी पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके लिए सबसे जो ईजिएस्ट फॉर्म है वो है चेक। तो चेक बुक जो है वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, उसके बाद
हम चेक किसी के नाम पर भी अगर लिखेंगे तो उसको मतलब हम कह सकते हैं बैंक वाले हमारे अकाउंट में से पैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें खुद बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो चेक होती है, एक पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग, ये बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरे अकाउंट में से कुछ पैसे जो है इस इंसान के को दे दो जिसके नाम पे ये चेक मैंने इशू की है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मेकर ऑफ द चेक होता है, जिसने चेक बनाई है या लिखी है, उसको ड्रॉअर बोलते हैं, और जो बैंक का एम्प्लॉय होता है जो पैसे वहां पे देता है उसको ड्रॉई बोलते हैं, और जिस पर्सन का नाम उस मतलब हम कह सकते हैं चेक पर लिखा हुआ हो जिसको ये पैसे देने हैं उसका नाम होता है पे, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं पेई। तो यहाँ पे ये वर्ड है। तो ये चेक्स की वजह से काफी ज्यादा हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब मैंने साथ में कहा था कि जो प्लास्टिक मनी है, इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल होती है, तो काफी ज्यादा मतलब हमारी जिंदगी में हम प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, काफी ज्यादा हमारे पास सहूलियात मैसर हुई है इन चीजों के जरिए। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, एक्चुअली में ये प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम बैंक में जाएंगे तो वहां पे स्लिप्स होती है जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, तो हम वहीं पर वो लिख सकते हैं और उसमें बैंक को कह सकते हैं कि हमें कुछ पैसे निकालने हैं, तो वहीं पर ये रिमोटली क्रिएटेड चेक बना सकते हैं, उसके बाद बैंक हमें वहां पे पैसे दे सकता है। तो इसके अलावा अब हमारे पास जो बैंक है वो अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कमर्शियल बैंक है। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसमें वो सारे बैंक आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है जेके बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनको कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है, जिनके पास पैसे होते हैं वो इनमें डिपॉजिट करते हैं, और जिनके पास नहीं होते हैं ये उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक इंडिया में एक ही है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ पे करेंसी वगैरह इशू करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनके, आरबीआई के या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो इसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है रूरल और अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी काफ़ी कम होती है। तो कमर्शियल बैंक्स के मतलब हम कैसे बरेकस ये प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका काम होता है कि हमें इनक्रेज करना है रूरल बिजनेस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि वो भी ग्रोथ कर सके। जैसे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हम कह सकते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और शहरी एरिया में अर्बन एरियाज में जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे लास्ट में स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जिसमें हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आता है, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज आता है। तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं या एग्रीकल्चर के लिए होते हैं। तो इस तरह के बैंक्स कमर्शियल बैंक्स की तरह लोगों के सरप्लस मनी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये हुए हमारे चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स। लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ ए बैंक, अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने पहले कहा कि बैंक्स में जिनके पास सरप्लस होता है वो बैंक्स को देते हैं, उसके बाद जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बैंक किस तरह से कमाई करता है, तो उसके लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पर्सन ए है जिसने बैंक में डिपॉजिट 100 रुपये किए हैं, उसके बाद बैंक वाले जो है वो एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें 100 रुपये मतलब वहाँ पे डिपॉजिट किए हैं ए ने। उसके बाद बैंक क्या करता है, वो इस 100 रुपये में से इसका 20% अपने पास रखते हैं, ताकि कैश वगैरह के लिए वो रखे, अगर किसी को पैसे निकालने हो उसके लिए। उसके बाद उसमें से 80 रुपये बचते हैं, तो 80 रुपये वो बी को एज लोन देते हैं। तो इस तरह से दूसरा अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया। अब ये जो बी है जिसने लोन लिया है, जिसने जो लोन
तो बी ने जैसे कि जैसे उसने लोन लिया 80 रुपये, उसको फ्यूचर में हम कह सकते हैं उसको इंटरेस्ट के साथ, हायर इंटरेस्ट रेट्स के साथ वो पैसे देने हैं। और तो यहाँ पे आप याद रखिए, जो इंसान पैसे बैंक में रखता है, बैंक उसको फॉर एग्जाम्पल 4% या 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट रेट। लेकिन जब बैंक किसी को लोन देती है तो वो उससे 8%, 10% या 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लेती है। तो ये जो हम कह सकते हैं, जो ये सरप्लस इसमें से बचता है, वो बैंक की आमदनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक में पैसे रखे तो बैंक ने मुझे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया, लेकिन जब बैंक ने मेरे ही पैसे दूसरे को एज लोन दिया तो उससे हायर इंटरेस्ट रेट्स लिए, तो इसी से बैंक कमाई वगैरह करता है। तो जो लोग जमा करते हैं पैसे, और उसके बाद बैंक वाले क्या करते हैं, उसका 20% अपने पास रखते हैं कैश पेमेंट्स के लिए। उसके बाद वो बाकी के पैसे जो है लोन वगैरह पर्पस के लिए लोगों को देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट वगैरह वो हासिल कर सके, ताकि बैंक दिन ब दिन तरक्की करे। अगर यहाँ पे हम बात करें, जो बैंक है ये दो तरीकों से काम करता है। सबसे पहले बैंक इंटरमीडियरी का काम करता है बिटवीन दो, जिनके पास ज्यादा पैसे है और उनके लिए जिनके पास पैसे ही नहीं है। इसका मतलब इंटरमीडिएट बनता है बैंक, जो डिपॉजिट करते हैं और जो क्रेडिट लेते हैं। इसके अलावा बैंक जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स लेता है जिनको वो लोन देता है, और उसके बाद कम इंटरेस्ट रेट्स देता है उनको जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो जो रेशियो इन दोनों के दरमियान होता है, उसी से बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है, जो मैंने पहले ही कहा था। इसके अलावा कोलेटरल, कोलेटरल अगर हम बात करें, अगर कोई इंसान बैंक से लोन लेता है तो उसे कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कि लैंड, बिजनेस एसेट, हाउस, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, जो भी मतलब हम कह सकते हैं, इसमें कोई ना कोई चीज को हम कह सकते हैं वहां पे रखनी होती है गारंटी के तौर पे, ताकि अगर वो लोन कल को ना चुका पाए तो उस वक्त बैंक इन चीजों में से किसी की ऑक्शन करेगा और बैंक अपने पैसे वापस ले सकता है। और जब एक कोई इंसान बैंक को अपने पैसे वापस नहीं दे पाता है, तो उस वक्त उसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। उस वक्त बैंक उनके एसेट्स को बेचता है और अपने पैसे वापस लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर किसी इंसान को सेविंग बैंक अकाउंट खोलना हो तो कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसे देखना है कि नजदीक में सबसे मतलब जो पॉपुलर बैंक होगा, मशहूर बैंक होगा, तो उनके नजदीक में कौन सा पड़ता है, तो वहां जाकर वो मतलब सेविंग बैंक फॉर्म लाएगा। उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको फिल करेगा, और उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखेगा, जैसे कि फोटोग्राफ रखना होता है। इसके अलावा बिजली की बिल, या हो ये जो हमारे पास होता है APL वगैरह का, राशन कार्ड वगैरह, उसका फोटो स्टेट वगैरह, तो वो। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का फोटो, इसकी फोटो का भी उसके साथ रख सकता है। उसके बाद ये बैंक ऑफिसर के पास ये फॉर्म सबमिट करना होता है। उसके बाद बैंक वाले कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ से देते हैं, जैसे कि चेकबुक हो सकता है, इसके अलावा पासबुक वगैरह, वो हमें अपने पास संभाल के रखने हैं। इस तरह से हमारा सेविंग बैंक अकाउंट क्रिएट होता है। अब अगर हमें बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो, जमा करने हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हम बैंक में जाएंगे और वहाँ पे इन स्लिप होती है, जिसकी दोनों साइड में हमें डिटेल्स वगैरह लिखनी पड़ती है कि ये अकाउंट किन के नाम पर है, अकाउंट नंबर, उसके बाद कितने पैसे जमा करने हैं, इसके अलावा फोन नंबर, इसके अलावा सिग्नेचर और डेट वगैरह, और ब्रांच का नाम। उसके बाद हमें अप्रोच करना है रिसिप्ट काउंटर काउंटर पे, तो वो वाले उसमें सील वगैरह डालकर, स्टैंप वगैरह डालकर एक स्लिप, उस स्लिप के दो हिस्से करते हैं, एक वाला हिस्सा अपने पास रखते हैं, दूसरा हिस्सा हमको देते हैं। उसके बाद वो दूसरा हिस्सा हमें संभाल के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अकाउंट में कल को वो पैसे जमा ना हुए हो, तो उस वक्त हम उनको रिसिप्ट दिखा सकते हैं। इसके अलावा विड्रॉइंग मनी, तो मनी मैंने इससे पहले भी हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर हमें पैसे बैंक से निकालने हो तो कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर दो प्रोसीजर्स है। सबसे पहले अगर हम बैंक में खुद जाएंगे तो वहां पे
विड्रॉल फॉर्म हमें भरना है और उसमें हमें डिटेल वगैरह भरनी है, उसके साथ हमारी बैंक कॉपी या पासबुक वगैरह साथ में होना चाहिए, तब जाके हम पैसे निकाल सकते हैं बैंक से। उसके अलावा चेक, जो चेक बुक हमें बैंक प्रोवाइड करता है, उस चेक बुक में हम डिटेल वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद ये चेक अगर हम किसी और के हाथ भी भेजेंगे तब भी वो पैसे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी के पास चेक है तो उसे ये जो पासबुक है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है यूजिंग एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेबिट कार्ड है उसके जरिए हम किसी भी एटीएम से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम जो आजकल नया आया है, तो इसके जरिए हम शॉपिंग वगैरह भी करते हैं या पैसे ट्रांसफर वगैरह भी करते हैं, तो उस तरीके से भी हम विड्रॉ पैसे कर सकते हैं। रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग। तो अगर हम बात करें दूर दराज इलाकों में, अगर हम देखें चाहे वहां पे स्कूल हो, कॉलेज हो, या हम कह सकते हैं बैंक हो या ना हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस जरूर होते हैं कंट्री के किसी भी जगह पे। तो पुराने जमाने से ही लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में जाते थे, और जब उन्हें पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो वो पोस्ट ऑफिस के जरिए मतलब भेजते थे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स वगैरह खोले गए, तो उसके जरिए पैसे वहां पे इन्वेस्ट करते हैं या उसमें डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट वगैरह भी वो देते हैं। तो अगर हम देखें तकरीबन तकरीबन इंडियन पोस्ट नेटवर्क में 1,55,000 ब्रांचेस है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की तुलना में इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने भी जो ये स्कीम्स वगैरह निकाली है, इन्होंने जो ये सेविंग अकाउंट्स वगैरह के लिए जो हम कह सकते हैं या कंकरेंट अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट जो होता है इसके लिए जो अकाउंट्स वगैरह हम कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस में इन्होंने रखे हैं, यहाँ पर भी हम अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें पैसे डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।